स्पॉन्सर्ड बाय एंजल लाइफ हेयर केयर एंड ट्रांसप्लांट। गंजेपन से छुटकारा पाने का रामबाण इलाज। पिछले दो दिन की मीटिंग होती रही, उसमें ज्यादातर मैंने देखा कि वो एक साथ बात है, सब ठीक है, सब ठीक है। आज थोड़ा सा कड़वा तो लगता है कोई शिकायत करता, लेकिन ये अच्छी बात है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपनी बात जरूर कहनी चाहिए, इससे जो पेंट अप इमोशंस है वो निकल जाते हैं और कई बातें जो हम लोगों तक भी नहीं पहुंच पाती वो आ जाती है। अभी जैसे आपने मुद्दा उठाया रशिया कम्युनिटी का, कई समस्याएं रहती है। हम लोग जो है वहां तक जो पसंदा के पास है रशिया मस्जिद, वहां भी गए, लोगों से मिलते हैं, पर्सनली जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि कम्युनिटी के साथ में इंटरेक्शन उस तरह का फॉर्मल वे में नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए किसी भी बड़े नगर में। यहाँ जैसे कमिश्नर साहब ने ये शुरुआत कराई और पिछली मीटिंग भी हमने अटेंड की और बड़ी अच्छी मीटिंग रही, उसका परिणाम आप सबके सामने है कि सबने सहयोग किया और पूरा हमारा जो इंटेलिजेंस का डाइजेस्ट है वो पूरे उत्तर प्रदेश के उसमें खड़ा हुआ है कि कहां कहां कितनी सारी कंप्लेंट रही, कहीं आंदोलन हो रहा है, कहीं कोई किसी तरह की कोई समस्या लेकर वहां पर प्रशासन के विरुद्ध कुछ ना कुछ कर रहा, लेकिन यहाँ बड़ा हम लोगों को बहुत ही सुकून है कि यहाँ इस तरह की कोई भी अभी तक हरकत नहीं। कई सारे कार्यक्रम ऐसे चलाए गए माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बिल्कुल इस तरह के कार्यक्रम है जो उनकी रुचि है, जिसमें सबसे ज्यादा अभी कल एक उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी जिसमें सड़क सुरक्षा के बारे में चिंता जाहिर की। जितने कोरोना में नौजवान नहीं मारे गए उससे 10 गुना लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जा रहे हैं। 20 साल से लेकर 35 साल की जो अवस्था है, ऐसे में इतने जिम्मेदार जो नागरिक है, जो नई पीढ़ी है, वो खत्म हो जा रही है केवल जरा जरा सी लापरवाही से। दूसरा मुद्दा जैसे बड़ा अच्छा बताया, ओपन में जो डिफिकेशन में जो लोग जाते हैं खुले शौच में जाकर और पवित्र स्थलों को वहां पर दूषित करना, फिर एंक्रोचमेंट करना, पेडेस्ट्रियन के लिए बिल्कुल जगह नहीं देना, सड़कों पर आप देखते होंगे बेतरतीब वाहनों का खड़ा कर देना, ये सब चीजें पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता जाहिर की और हम अब इसे फॉर्मल वे में शुरू करना चाह रहे हैं। तो हमारा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि चाहे वो कोई ऐसी समस्याएं हो तो कम्युनिटी में किसी भी तरह की हो, आपस में जिसको एड्रेस ना किया जा रहा हो थाना स्तर पर, तहसील स्तर पर, तो हम लोग चाहेंगे कि कम्युनिटी से डायरेक्ट इंटरेक्ट करें, चाहे कमिश्नर